तो गाइस आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाला हूँ ये दो अमेजिंग आयरन एंड विलेजर पावर्ड फूड पंप जो कि लेट गेम तक बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और अगर आपको भी अपने वर्ल्ड में क्रिएट करना है या जानना है मैंने कैसे क्रिएट किया है इसे, तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को जरा भी लीव मत करना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं एंड क्रिएट करते हैं ये दो अमेजिंग फार्म। तो सबसे पहले मुझे क्या क्रिएट करना है, एक छोटा सा फार्म जो कि टेम्पररी होगा और उसे मैं क्रिएट करने वाला हूँ विलेजर पावर्ड फार्म में। अभी के लिए मुझे क्रिएट करना है 4 एरियाज जहाँ पे मैं अपना फार्म क्रिएट करने वाला हूँ। पता है क्या, मैं ये बना रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसे थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश की जाए कि जो विलेजर प्रोड्यूस करे जितने भी रिसोर्सेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है क्या प्रोसेस। तो मैंने जब सोचा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके अंदर बीज को भी ऐड करूं जो कि पोलन गिरा के अपना काफ़ी ज़्यादा इनको मतलब बोन मिल जैसा टाइप कर देती है, तो उस वजह से जल्दी ग्रो होते हैं क्रॉप्स और जल्दी मेरा काम होगा और ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। सो गाइस बुया पे चल रहा है वॉच क्लिप्स टू विन इवेंट जहां पर आपको 15 मिनट्स का क्लिप्स देख के बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं आपको फ्री फायर के अंदर। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फटाफट से जाके डाउनलोड। तो अभी सेकंड टास्क है मेरा बीज ढूंढ के लाना, बीज ढूंढ के लाके उनको अपने बी हाइव्स में रखना ताकि वो मेरे लिए काम कर सके अभी। एंड मैंने बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे बीज बाहर नहीं आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी हाइव को तोड़ना पड़ेगा या तो उसमें से बी कॉम निकालना पड़ेगा। तो इसमें तो हनी है तो इसे एक बार शेयर करते हैं। एंड या इसमें से बी निकल गई है और मुझे अब इससे भागना पड़ेगा जब तक इसका गुस्सा ठंडा नहीं होता, वरना अगर एक बार इसने मुझे काट लिया ना तो ये मर जाएगी। क्योंकि इसका रूल ही होता है रियल लाइफ की जैसा, जब ये लोग अपना एक बार वो नीडल छोड़ देते हैं तब उनके पास एक और नीडल नहीं होता जिसकी वजह से मर जाते हैं। तो आप इनसे दूर भागो जब तक इनका गुस्सा ठंडा नहीं होता। एंड क्या देख सकते हो यहाँ पे इसका गुस्सा भी ठंडा हो चुका है। तो अब मैं जाके इसे दूसरे बीहाइव में रख दूंगा और अब उसका वो नया घर बन जाएगा। तो एंड या दो बीज आ चुकी है यहाँ पे और इनकी ब्रीडिंग शीडिंग करा देते हैं ताकि यहाँ पे इनकी क्वांटिटी डबल होते रहे। यहाँ पे मुझे इनकी ज़रूरत है, अगर मुझे यहाँ पे इनको चाहिए तो दो बीज है मेरे पास, सिर्फ लिमिटेड बीज क्योंकि ये बारिश में मर जाती है और बारिश के लिए मुझे यहाँ पे कवर भी करना होगा। तो लिमिटेड बीज को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि मैं यहाँ पे 4 बीहाइव रखने वाला हूँ और चारों में मैं उनको डिवाइड करके रख सकूँ। शायद से एक बीहाइव में 4 या तो 3 बीज आ सकती है, आई डोंट नो कितनी आती है लेकिन आई गेस 3 या तो 4 ही आती है। तो मुझे मल्टीप्लाई कर करके उनको अलग अलग बीहाइव में भेजना होगा। एंड या एक और बंदे को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिसने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, शायद से इसका अगर कमेंट होगा तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जिसने मुझे कमेंट करके बताया था कि ब्रो तू लावा भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स मुझे पता था बट मैं भूल चुका था कि मैंने नेदर ओपन कर दिया एंड लावा इज़ सो ईजी फॉर मी राइट नाउ। तो फ्यूल सोर्स में मैंने लावा यूज़ करना चालू कर दिया तो मेरे पास कोल का एक रिडक्शन हो गया, तो मेरे लिए वो ज़्यादा रिलीफ हो गया क्योंकि कोल कम हो गया। अब हमारा थर्ड टास्क है कि हमें विलेजर्स ढूंढ के लाने हैं क्योंकि यहाँ पे विलेजर्स भी ख़त्म हो चुके हैं, ना के बराबर बचे। रात में हमेशा जॉम्बीज मार देते थे उनको और यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होकर उतना भी उनको बचा नहीं पाते, मतलब आयरन गोलम आर नथिंग क्योंकि वो हर विलेज के हाउस को नहीं देख सकते। तो मुझे एक विलेजर अब जाके दिखा है और ये अनएम्प्लॉयड है और पता नहीं क्यों ये इस छत पे चढ़ के बैठा है। भाई बंदा वहाँ पे जाके मतलब जॉम्बी से जो बचा है, मैं क्या बात बोलूँ अभी आपको, वहाँ पे जाके बचा है बहुत अच्छा। बस नीचे आ जा तू एंड कभी भी विलेजर को इधर से उधर किया तो आपको पता होगा इनको बोट में बैठाना और बोट से उधर लेके जाना बहुत ज़्यादा अनोइंग है। एंड ग्रास पाथ पे जावा में तो बहुत ज़्यादा अनोइंग है क्योंकि वो डर्ट पे चढ़ता ही नहीं, भाई बहुत ही अलग चीज़ है यहाँ पे। ओ भाई ये देखो, ये विलेजर को देखो कहाँ भाई, अंदर ही बेचारा धंसा पड़ा है। ओ माय गॉड, इसको बेचारे को तो मैंने फ्री किया रिलीव, मतलब मेरे दो ये जो विलेजर मिले ना मुझे ये किस तरह से बच के बैठे देखो ना, एक छत पे बैठा था और एक को केव में घुस गया था जॉम्बी से बचने के लिए, मतलब तुम लोग बचे थे बस उसी के लिए मैं तुम्हें भाई बहुत अच्छा अप्रिशिएट करूंगा। तो मुझे एक छोटा सा ब्रीडिंग स्टेशन बनाना होगा जो कि परमानेंट नहीं होगा और यहाँ से मुझे इन दो विलेजर्स से मल्टीप्लाई करके 9 निकालने पड़ेंगे, इन दो को सेपरेट करके मुझे 9 विलेजर्स और चाहिए। एंड हाँ आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीज़ों के बीच में मैंने थोड़े से वॉल्स भी लगा दिए, ब्रिक वॉल्स। तो अगर आप लोग सोचो कि ये क्या मतलब विवेक अपना ही जादू वगैरह चला रहा है, नहीं मैंने ब्रिक वॉल्स लगा के इनको सेपरेट कर दिया है फार्म्स को। और ये मैंने सोचा कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाना नहीं है लेकिन खाली आपको एक बार से इन्फॉर्म करने के लिए कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ बीच बीच में और ये मेन चीज़ों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। ओके तो अभी मेरा फोर्थ टास्क है कि मुझे चाहिए पेट्स, तो पेट्स की खोज पे निकला विवेक।
लेट्स गो। ओके, तो बेड्स मिल चुके हैं, छोटा सा रूम क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे विलेजर्स आ चुके हैं, सारा माहौल सेट है। तो मेरे पास जो दो बेक्ड पटाटो है इनको देते और ये शायद से ब्रीडिंग चालू कर देंगे। एक मिनट, तुम लोग ये ले क्यों नहीं रहे ब्रो? तुमको बेक्ड पटाटो नहीं पसंद? हेलो सर, क्या मतलब तुम लोग नहीं खाओगे? ब्रो मेरे पास ब्रेड नहीं है अभी। हेलो यार, खा लो। नहीं यार, इनको ब्रेड ही लगेगा लगता है, एंड ब्रेड के लिए मुझे वहीं पे जाके लेके आना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ब्रेड अभी लेना पड़ेगा। भाई क्या मतलब पका आलू नहीं खाना तुमको? कच्चा आलू खाते हो क्या? क्या वियर्डोज हो। ओके, तो इनको भर भर के आलू तो दे दिया है, पर मैं साइड बाय साइड अपना विलेजर पावर्ड जो फूड फार्म है उसकी डिजाइन को भी कंप्लीट करते रहता हूँ। मैं ग्लास इसलिए लगा रहा हूँ ताकि कूल दिखता है अंदर बाहर देखने में, और ऊपर मुझे कवर तो करना ही पड़ेगा, और एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है और बीज ना मरे, इसलिए मुझे सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं कवर करूँ ऊपर, एंड बीच बीच में मैं बिल्ड करता रहूँगा और इसे अपना कंप्लीट कर दूंगा इजीली। क्या मैंने अभी बेबी विलेजर की आवाज़ सुनी? ओह माय गॉड, यहाँ पे बेबी विलेजर मिल चुका है, हमारा पहला बेबी विलेजर। ओली 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 भाई साहब, मज़ा आ गया भाई। एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग गाइस कि मुझे ये फार्म बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हॉपर्स की ज़रूरत पड़ेगी और मेरे पास बेयरली कोई आयरन है अभी। तो अगर मुझे फूड फार्म बनाना है उससे पहले मुझे आयरन फार्म बनाने की ज़रूरत है, तो आयरन फार्म मुझे पहला बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, एक जगह क्लियर करता हूँ और वहाँ पे आयरन फार्म बनाता हूँ जो कि मेरे ब्रीडिंग हॉल से थोड़ा दूर होगा, क्योंकि मैंने नोटिस किया है यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं। अगर मैं इसके क्लोज बना दूँ तो थोड़ा सा क्लैश कर जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। क्लैशिंग बिल्कुल भी सीन नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मुझे ये एरिया को फ्लैट करना होगा, और मैं आपको पूरा एकदम ट्यूटोरियल टाइप बता देता हूँ कि कैसे बनाना है आपको। सबसे पहले आपको एक चंक देख लेना है जो कि पूरा फ्लैट है, पूरा फ्लैट, एक चंक आपका पूरा फ्लैट होना चाहिए। उससे आपको 8 ब्लॉक ऊपर जाना होता है, तो एक फ्लैट सरफेस आपको चाहिए चंक का। आप उसके आसपास के जो 8 ब्लॉक के आसपास के ब्लॉक हो ना, वो भी आप फ्लैट कोशिश करना, या फिर वो ब्लॉक से लोअर, क्योंकि वरना ये फार्म आपका थोड़ा सा अजीब बिहेव करेगा, गोलम नीचे भी स्पॉन हो सकते, तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वायरमेंट बोल रहा हूँ। तो गाइस एक सैड चीज़ हो गई है कि मैं ऑफ कैमरा थोड़ा सा, मैंने सोचा कि विलेजर की ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही है क्योंकि बेड्स कम पड़ रहे, तो मैंने सोचा चलो पास वाले विलेज से जो एक विलेज मिला है वहाँ से मैं बेड्स लेके आ जाता हूँ। और जब मैं अपने हॉर्स को ऑफ कैमरा लेके जा रहा था तो एक वो पाउडर स्नो में फंस गया एंड वहाँ पे वो मर गया, पर मैं नहीं मरा क्योंकि मैं तो माइन करके बाहर आ गया। बट वो बंदे को कहाँ से लाऊँ जो कि 4 और 6 ब्लॉक के अंदर रहता है? तो मेरे पास शवल भी नहीं थी, जब तक मैंने माइन किया तब तक वो डेड हो चुका था। वो हॉर्स लेने से पहले एक घटिया सा हॉर्स मिल चुका है मुझे, ये देख लो ये क्या ही स्पीड है इसकी। चलो मैं इससे काम चलाता हूँ, यहाँ पे से बेड्स उठाता हूँ जिसके लिए मेरा हॉर्स मर चुका है, जो काम के लिए आया था मैं, जिसकी वजह से मेरे हॉर्स ने अपना बलिदान दिया है। मैं बेड्स उठाता हूँ यहाँ से और ये घटिया से हॉर्स पे चलता हूँ और होप करता हूँ कि आगे हॉर्स मिल जाए, और जो कि देखो मैंने कहा और देखो सामने मिल गए। अब यहाँ से मैं अपने लिए एक बेस्ट हॉर्स चूज़ कर लेता हूँ फटाफट से देख के। ओके, तो इस हॉर्स की जो स्पीड एंड जो जंप है वो मेरे वाले हॉर्स से मैच हो रही है, लाइक गुड। तो मैं ये वाले हॉर्स को अपने साथ लेके जाऊंगा, और एक डोंकी भी रास्ते में दिख रहा है मुझे, मैं सोच रहा हूँ इसको भी लेके ही चलते। एक म्यूल बनाते ना जिसके ऊपर मैं सामान भी कैरी कर, आपको पता है म्यूल का क्या होता है, उसके पास डोंकी की स्टोरेज आ जाती है एंड अपने हॉर्स की स्पीड एंड जंप आती है। तो आप सोच सकते हो म्यूल सबसे बेस्ट हो सकता है क्रिएचर और क्या कह सकते हो मॉब। तो मैं यहाँ पे इसको भी लेके ही चलता मेरे साथ घर। ओके, हॉर्स एंड डोंकी हमारा घर आ चुके हैं, एंड इनको ब्रीड कराने के लिए मेरे पास गोल्ड इनफ है, यप, और मेरे पास एप्पल तो पड़े ही है। लेट्स मेक अ गोल्डन एप्पल एंड ब्रीड, और दोनों की ब्रीडिंग करवाते हैं। वेट अ सेकेंड, कुछ हो क्यों नहीं रहा? और मेन बात, मेरे हॉर्स पे हार्ट्स आए और डोंकी पे नहीं आए, व्हाट दी है, पता नहीं। आई गेस ये प्लान फेल हो चुका है, मैं आगे का काम करता हूँ। छोड़ो ये हॉर्स का म्यूल वगैरह बनाना तो बाद में देखूंगा मैं, अभी चलते हैं सबसे पहले मेरे जो आयरन फार्म है उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका जो बेस ब्लॉक है उससे आपको 8 ब्लॉक ऊपर जाना है। सिर्फ मुझे फॉलो कर लो कि आपको ऊपर 8 ब्लॉक जाके आपको 1 ब्लॉक बाहर आके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देना है और एक चैम्बर बना देना है जहाँ पे आप स्लैब लगाओगे, मतलब वो जॉम्बी चैम्बर रहेगा। तो याद रखना जहाँ भी आप स्लैब लगा रहे हो वहाँ पे आपको जॉम्बी लेके आना है,
और फिर उसके बाद आपको 3 ब्लॉक ऊपर जाना है मिडिल ब्लॉक से, और अब की बार आपको 2 ब्लॉक बाहर जाके आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आपका होगा आयरन गोलम का मामला पानी, और इसके बाहर आपको वॉल्स लगा देने हैं, जो भी वॉल आप यूज़ कर रहे हो। मैं तो प्रीफर करूँगा आपको ब्रिक के ही कोई वॉल्स लगाना, मैं तो डीप स्लेट यूज़ कर रहा हूँ। आप नॉर्मल स्टोन के भी ब्रिक वॉल यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल स्टोन से भी बना सकते हो। तो मैंने जैसे बेड प्लेस किया है सेम ऐसा बेड प्लेस कर देना, और वो जो बीच का पिलर था ऊपर जाने के लिए वो हटा देना। बाकी आप डन हो गए हो। अभी आपको क्या करना है, जॉम्बी को चेंबर में लाना है, और आपको अपना कलेक्शन सिस्टम और मतलब जहाँ पे आयरन गोलम मरने वाला है वो एरिया बनाना है अभी मुझे। एंड मैंने सोचा था चलो आयरन गोलम के जो चैम्बर है उसको कंप्लीट करते हैं, और देख सकते हो यहाँ पे रात हो रही है और एक बेस्ट जॉम्बी मिल गया है गोल्डन आर्मर के साथ, और ये इसे ट्रैप करना कौन नहीं चाहेगा, और ये ईजिली मेरे ट्रैप में भी आ चुका है। वाओ, मतलब और आपको इस तरह से ट्रैप डोर्स लगा देने ताकि ये बाहर भी ना जा सके, ना जॉम्बी मतलब ये जॉम्बी विलेजर्स के पास भी नहीं जा सकेगा। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कलेक्शन एरिया कैसे बनाना है, और ये जॉम्बी बताने दे तो यहाँ पे आपको एक हॉपर लगाना है, यहाँ पे आपको एक चेस्ट अटैच कर देना है, फिर ऊपर आके आपको कुछ इस तरह 2 हॉपर्स लगा देने। तो इन टोटल मैंने कहा था 3 हॉपर्स लगने वाले हैं, मतलब मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगा के बोला था पहले, लेकिन हाँ 3 हॉपर्स लगने वाले। तो इस तरह मैंने 3 हॉपर्स लगा दिया, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, तो वो पार्ट मैं आपको नहीं दिखाता हूँ, सीधा मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने ठीक किया था आयरन फार्म को। मैंने यहाँ पे वाटर वगैरह थोड़ा सा गलत डाल दिया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ठीक किया है, और किस तरह से मैंने वाटर फ्लो और जो लावा लेवल है उसको बढ़ाया था, देन जो ब्रिक वॉल है उसको भी मैंने थोड़ा सा ऊपर किया था। तो देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह किया है, और अगर आप बना रहे हो तो इस वाले मेथड को फॉलो कर लेना, ये जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। हर एक कॉर्नर में आपको एक वाटर सोर्स रख देना है, बाकी ताकि आपके जो गोलम से वो बीच में आ जाए सीधा, फिर उसके बाद वो जल के मर जाएंगे एंड आपको मिल जाएगा आपका आयरन। एंड बहुत ईजी है ये, सिर्फ मैंने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था शुरू में, जिस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा आयरन लॉस भी किए थे, बट इट्स ओके, इसको मैंने आगे चल के ठीक कर दिया था। अब सबसे ज़्यादा हेक्टिक टास्क है विलेजर को लेके जाना, लेकिन इसको भी मैं बहुत इजीली करने वाला हूँ। मैं एक बहुत बड़ा पाथवे क्रिएट कर रहा हूँ, अब ये पाथवे क्रिएट करते हुए मैं आपको दिखाने वाला तो नहीं हूँ, तो ये पाथवे मैंने 1, 2, 3 एंड ये क्रिएट हो चुका है। ये पाथवे कुछ ऐसा है, ये सीधा लेके जाता है आपको एकदम विलेजर आयरन फार्म में, विलेजर नहीं आयरन फार्म में आपको लेके जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे इनको बोटिंग करके कुछ पास में लेके जाना है, और रात के वक्त तो ये लोग खुद ही अपना बेड डिटेक्ट कर लेंगे, अगर मैंने उनका वहाँ से बेड तोड़ा है तो ये बेड डिटेक्ट करके अपने आप ऊपर चले जाएंगे। और इनके बीच में ब्लॉक लगाना मत भूलना, अदरवाइज़ ये सोने जाएंगे नहीं, उससे बस डरते रहेंगे। और एक लास्ट काम रहता है गाइस कि आपको इनके सोने से पहले, या तो सो भी गए तो आपको इनके बेड्स के ऊपर जो भी बेड्स है तो इस तरह आपको ग्लास ब्लॉक्स लगा देने। अब इसका रीज़न तो नहीं पता लेकिन लगाना ज़रूर है। ओके, तो यहाँ का जो मेस क्रिएट किया था वो मेस भी मैंने हटा दिया है, और अब काम आता है विलेजर पावर्ड फूड फार्म में। तो एक कंक्लूजन पे आके मैंने रुका कि 2 विलेजर्स के लिए 1 विलेजर रखना पड़ेगा जो कि उनको फूड पास करेगा वो, तो ऐसा मुझे कुछ करना होगा। और हॉपर की लाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसकी आप लोग देख रहे हो मैं कर भी रहा हूँ, जहाँ से मतलब पूरा हॉपर का फ्लो बना रहा है। अब मुझे पता है आप में से बहुत लोग कहोगे कि विवेक तू वाटर फ्लो का यूज़ कर सकता था, मतलब तेरे काफ़ी सारे हॉपर्स बढ़ जाते, बट क्यों, मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों उस प्रोसेस से जाऊँ जहाँ जो जिसमें मुझे जाना ही नहीं है अभी, मतलब लिटरली मेरे पास हॉपर्स है अभी तो मैं यूज़ करूँगा। तो अब बारी आती है, इनके चैम्बर्स वगैरह तो बन के रेडी हो चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत इजी चैम्बर्स हैं, मतलब आई अज्यूम कि आप लोगों को पता होगा ये चीज़ कि ये चैम्बर्स कैसे बनते हैं, अगर नहीं पता तो आप यूट्यूब कर लेना। तो एक एक करके मैंने सारे विलेजर्स को अपने चैम्बर्स में डाल दिया, जब ये लोग एक बार पोटैटोस ड्रॉप किए थे ना, मज़ा ही आ गया, मतलब जब रिसोर्सेज आए और मुझे पता चला या इट्स फाइनली वर्किंग और प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग और कोई भी दिक्कत नहीं है अब, तो वाह, तब लगा कि हाँ चलो सक्सेसफुल हो गया फाइनली एंड काम हो चुका है, और अब मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से दोनों फार्म एकदम क्रेजीली बन चुके हैं,
और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा ये दोनों फार्म। और मैंने पता है अपने ओवरवर्ल्ड के नेदर पोर्टल को ट्रांसफॉर्म किया था एकदम कूल लुकिंग नेदर पोर्टल में। अगर आपने वो नई एपिसोड देखा है तो फटाफट से सामने वाली वीडियो पे क्लिक करो एंड जाके फटाफट से देखो। तब तक मैं चला एक और पेन इज इक्वल टू कंटेंट वाली वीडियोस बनाने।